मेरी तरह आपको भी बचपन में एक कहानी सुनाई गई होगी कि अगर चींटी हाथी के सूंड में घुस जाती है तो एक छोटी सी चींटी एक बहुत बड़े हाथी का भूत बना देती है और हाथी की जान तक ले सकती है। पर अगर असल में देखा जाए तो हाथी की जो चमड़ी होती है वो काफी ज्यादा मोटी होती है। तो अब मन में सवाल ये आता है कि क्या एक छोटी सी चींटी हाथी को काट भी सकती है, या फिर सदियों से हम लोग किसी गलत फहमी में ही जी रहे हैं। चलिए मैं आपको बताता हूँ, बस आप वीडियो को लाइक कर दीजिए। देखिए, अगर हाथी की बाहरी चमड़ी की बात की जाए तो वो इतनी मोटी होती है कि चींटी तो छोड़िए, अच्छे खासे बड़े जानवर भी हाथी की चमड़ी पर स्क्रैच नहीं मार सकते हैं। लेकिन अगर हाथी के कानों या सूंड की बात की जाए तो वहाँ की चमड़ी अंदर से काफी ज्यादा कोमल होती है, और ऐसे में केवल चींटी ही नहीं बल्कि मच्छर, मधुमक्खी या अन्य कोई कीड़ा भी अगर हाथी के कान या सूंड के अंदर घुस जाए तो वो हाथी को केवल बुरी तरह से तड़पा सकता है, मगर किसी भी प्रकार से जान नहीं ले सकता है।